दोस्तों, अगर आप भी बल्ब प्लांट के शौकीन हैं तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सुंदर सुंदर से रंग बिरंगे टॉप एंड बेस्ट 9 फ्लावरिंग बल्ब प्लांट जो पेरेनियल हैं। एक बार लगाने के बाद इन्हें बार बार नहीं लगाएंगे और ये प्लांट पूरे सर्दियों में खिले रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपके गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे खूबसूरत से फ्लावरिंग बल्ब प्लांट देखेंगे जिनको आप पूरी सर्दियों में अपने गार्डन में खिले हुए देख सकते हैं। और इन सारे विंटर फ्लावर बल्ब को अगर आप गार्डन में लगाते हैं तो पूरी सर्दियों में आपको गार्डन में फूलों की कमी नहीं दिखेगी और फूलों से भरे रहेंगे आपका गार्डन। तो सर्दियों में बल्ब से लगाएं इन खूबसूरत से परमानेंट फूलों के पौधे। बल्ब प्लांट लगाने का सबसे अच्छा टाइम तभी होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती क्लाइमेट में और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती। टेम्परेचर जो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होता है, तब हम विंटर फ्लावरिंग बल्ब लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जब भी बल्ब लगाए तो ये बल्ब हमें ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। जितने भी अमेजोन साइट है, फ्लिपकार्ट है, सभी पे ये सारे बल्ब प्लांट मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसी क्वेरीज आती है कि कहाँ से इसको हम परचेज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं और आजकल जैसा कि इनका सीजन होता है तब ये लोकल नर्सरी में भी हमें मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं। पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप भी प्लांट लवर हैं तो नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव लगे, खूबसूरत फ्लावर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं सर्दियों में बल्ब से लगाए जाने वाले खूबसूरत से परमानेंट फूलों के पौधे। नंबर 1 पे ये रंगीन और खूबसूरत से रेनन्कुलस के पौधे हैं और इनके फ्लावर देखिए कितने सारे रंगों में अवेलेबल है। देखने में तो ये गुलाब के फूलों की तरह ही लगते हैं, बट इसमें कांटे नहीं हैं। गाइस, रेनन्कुलस के बल्ब हम ऑनलाइन भी ग्रैब कर सकते हैं अलग अलग कलर में। साथ ही जब ये सीजन ख़त्म हो जाते हैं तो प्लांटर में ही पड़े रह सकते हैं और आप चाहे तो इसे निकाल कर स्टोर भी कर सकते हैं और फिर इसको समर एंड होने के बाद आप इसे लगा सकते हैं दोबारा से। गुलाब फूलों का राजा होता है, लेकिन रेनन्कुलस भी गुलाब से बिल्कुल कम नहीं होता। देखने में उसी की तरह खूबसूरत होते हैं और इसे बल्ब से ग्रो किया जाता है। विंटर में इसमें ब्लूमिंग होती है और पूरे सर्दियों में ये बहुत अच्छे खिले रहते हैं। ये है ग्लैडियोलस के फ्लावर, इसे भी ट्यूबर और बल्ब से ग्रो किया जाता है। कई सारे रंगों में होते हैं जिसके फूल लाल, हरे, पीले, नारंगी, गुलाबी, सफ़ेद रंगों में मिल जाते हैं और ये एक पेरेनियल बल्ब प्लांट होते हैं। फ्लावरिंग भी होती है और जब फ्लावरिंग नहीं होती है तो इसके बल्ब पॉट में पड़े होते हैं, दोबारा से ये फिर उगाते हैं। ग्लैडियोलस को बल्ब और बीज दोनों से लगाया जा सकता है। इसे लगाने का सबसे अच्छा समय वसंत से शुरुआती गर्मियों में फरवरी से अप्रैल माह तक और शरद ऋतु में सितंबर से नवंबर माह के बीच में हम लगा सकते हैं। ग्लैडियोलस के डिफरेंट कलर के बल्ब ऑनलाइन अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, 300 रुपीज़ में, और इनके पौधे काफ़ी लंबे हो जाते हैं और कई दिनों तक फ्लावर खिले रहते हैं। बहुत ही कम केयर के साथ सनी लोकेशन में ये बहुत अच्छे से चलते हैं। ये है डहेलिया के फ्लावर, जिसे आमतौर पर बल्ब से ग्रो किया जाता है। बाद में इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है, कटिंग लगाना भी काफ़ी आसान होता है। ये भी पूरी सर्दियों में खिलते हैं हमारे गार्डन में, रंग बिरंगे डहेलिया भर जाते हैं। डहेलिया कई सारे रंगों में मिलते हैं और इसकी दो किस्में होती है, एक सिंगल पेटल और डबल पेटल। डबल पेटल में बड़े फ्लावर आते हैं, सिंगल पेटल में छोटे छोटे डहेलिया के फ्लावर आते हैं। दोनों ही फ्लावर, दोनों ही किस्में बहुत सुंदर लगते हैं और रंगों में मिल जाते हैं, अलग अलग रंगों में मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इनको सनी लोकेशन में खुली जगह पर लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे। अगर पॉट में लगाने हैं तो बड़े पॉट प्रोवाइड करें और दोस्तों, इनको हमें सनी लोकेशन में वेल ड्रेन्ड सॉइल में ही ग्रो करना है। साथ ही दोस्तों, इनको आप बहुत कम केयर के साथ हर साल कैरी कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, दोबारा से ये खुद उगाते हैं। नेक्स्ट है हाइसेंथिस के फ्लावर, जिसे बल्ब से ग्रो किया जाता है। ये भी अलग अलग रंगों में मिल जाते हैं, सफ़ेद, पीले, बैंगनी, लाल, गुलाबी, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं रंग बिरंगे। साथ ही इसमें खुशबू भी होती है, भीनी भीनी खुशबू वाले हाइसेंथिस के फ्लावर पेरेनियल होते हैं जो हर साल सर्दियों में उगाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, कम केयर के साथ चलते हैं। लॉन्ग लास्टिंग ब्लूमिंग होती है, कई दिनों तक इनके फ्लावर खिले रहते हैं और हमारे गार्डन में खुशबू के साथ खूबसूरती भी फैलाते हैं। इनको तेज़ धूप में नहीं बल्कि शेमी शेड में रखिए, जहाँ थोड़ी सी मॉर्निंग या इवनिंग वाली धूप मिल जाए। आफ्टरनून की डायरेक्ट धूप से इन्हें हमें बचाना है।
तभी इन्हें हाउस प्लांट में भी लगाया जाता है और रूम में भी आप इसे रख सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। ये सारे बल्ब प्लांट पेरेनियल होते हैं बार बार, ना इन्हें खरीदने की जरूरत है ना लगाने की। एक बार लगाने से भी ये हर साल खुद उगाते हैं। साथ ही इनके फॉलिएज भी हरे भरे और सुंदर लगते हैं। ये है अमराइलिस लिली बल्ब फ्लावर प्लांट। और बल्ब प्लांट की यही खासियत है कि सभी रंगों में ये मिल जाते हैं, कई सारे कलर ऑप्शन होते हैं बल्ब प्लांट में। तो ये भी ग्लैडियोलस की तरह काफ़ी लंबे इनके स्टिक हो जाते हैं और फ्लावर भी काफ़ी बड़े बड़े साइज में होते हैं और कई दिनों तक एक ही फ्लावर खिला रहता है, लॉन्ग लास्टिंग ब्लूमिंग होती है। इनके बल्ब भी ऑनलाइन अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। बल्ब की भी दो किस्में होती है, छोटी और बड़ी साइज की। छोटे बल्ब वाले सिंगल पेटल होते हैं, बड़े साइज वाले बल्ब जो होते हैं डबल पेटल वाले होते हैं, यानी कि उसकी पंखुड़ियाँ जो होती है वो ज़्यादा होती है। अमराइलिस लिली के बल्ब को हम पॉट में भी और क्यारी में भी लगा सकते हैं। बल्ब प्लांट जो होते हैं वो सॉयल के अंदर तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो अगर हमारे पास जगह है, फील्ड है, क्यारी है, तो हमें उसी में इन्हें लगाना होता है। अगर जगह कम है, स्पेस हमारे पास कम है, तो इन्हें हम पॉट में भी लगाकर इनके शौक को पूरा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़े पॉट की ज़रूरत होती है दोस्तों। साथ ही इनको इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए, कम से कम 6 घंटे की इनडायरेक्ट यानी कि फिल्टर्ड सनलाइट मिले तो ये बहुत अच्छे ग्रो होते हैं और बहुत कम केयर में ये चलते हैं। हाइसेंथिस की तरह डैफोडिल्स भी खूबसूरती के साथ साथ खुशबू भी फैलाते हैं, भीनी भीनी सी खुशबू होती है और ये भी इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। फील्ड में लगाते हैं तो किसी बड़े पेड़ की छांव में लगाएं, और पॉट में भी लगाते हैं तो इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करें कम से कम 6 घंटे की, इसमें ये बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। और साथ ही दोस्तों इन्हें भी बल्ब ट्यूबर से ही ग्रो किया जाता है, इसमें भी सफ़ेद और पीले रंगों में मिल जाते हैं दो कलर कंट्रास्ट में, और बहुत अच्छी खुशबू होती है। और ये भी हर साल खुद ही उगाते हैं, एक बार बल्ब खरीद ले और इसे लगा दे फिर हर साल दोबारा से ये नए प्लांट बन जाते हैं, डेफोडिल्स की झाड़ियाँ बन जाती है और कई सारे फ्लावर एक साथ खिलते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में। ये है फ्रीसिया के फ्लावर जो कई सारे रंगों में मिल जाते हैं। इनके प्लांट बहुत बड़े नहीं होते तो छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, क्यारी में भी बहुत अच्छे से ये ग्रो होते हैं, तेज़ी से इनके बल्ब मल्टीप्लाई होते हैं और ये भी कई सारे रंगों में मिल जाते हैं दोस्तों। इनको भी हमें शेमी शेड में लगाने हैं, जो इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है तो वो भी इनके लिए सही होता है। और ये प्लांट भी हमेशा बने रहते हैं, पेरेनियल बल्ब प्लांट होते हैं जो विंटर में अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और बहुत कम केयर के साथ चलते हैं, बहुत ज़्यादा वाटरिंग और फर्टिलाइजर की भी डिमांड नहीं होती है। एक बार इनकी सॉयल मिक्स वेल ड्रेन्ड और फर्टिलाइजर रिच बना दे और फिर ये चले रहते हैं। फ्रीजिया फ्लावर के बल्ब भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, सारे रंगों में मिल जाते हैं इनके बल्ब बहुत ही अच्छे प्राइस पर। मैंने भी फ्रीजिया के बल्ब ऑनलाइन ही मंगाए थे और बहुत अच्छे चल रहे हैं। नेक्स्ट बल्ब फ्लावरिंग प्लांट है स्नो ड्रॉप, जो नाम से ही है स्नो एडेड है, इट मीन्स कि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल स्नो ड्रॉप फ्लावरिंग प्लांट, इसे हम विंटर में लगा सकते हैं और इनकी फ्लावरिंग भी पूरे सर्दियों में होती है। बहुत ही कम केयर के साथ ये इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं दोस्तों। और ये प्लांट भी बैगनी और सफ़ेद रंगों में मिल जाते हैं। इस बल्ब को भी लगाना चाहते हैं तो लोकल नर्सरी और ऑनलाइन में भी आप चेक कर सकते हैं, इसके बल्ब मिल जाएंगे। और ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी और पेरेनियल बल्ब प्लांट होते हैं। ये है क्रोकोस के बल्ब प्लांट और ये भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वाइट और ब्लू कलर में अवेलेबल होते हैं। छोटे छोटे से इनकी झाड़ियाँ बनती हैं और बहुत छोटे प्लांट होते हैं और फ्लावर तो बहुत ही खूबसूरत होता है। पूरे विंटर में बहुत कम केयर के साथ ये खिलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ विंटर फ्लावरिंग बल्ब प्लांट जो पेरेनियल है, एक बार लगाने के बाद बार बार इन्हें नहीं लगाना है और बहुत कम और सही प्राइस पे ये हमें ऑनलाइन भी और लोकल नर्सरी में भी मिल जाते हैं। और अगर हम अपने गार्डन में कुछ अलग तरीके के एलिगेंट और अट्रैक्टिव प्लांट ऐड करना चाहते हैं तो विंटर फ्लावर प्लांट इज़ द बेस्ट प्लांट। तो आप भी इस सारे विंटर फ्लावर को लगा सकते हैं, तैयार बल्ब प्लांट भी मिल जाएंगे और इनके बल्ब भी मिल जाते हैं। गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके पास कौन कौन से बल्ब प्लांट है और आपने कौन कौन से न्यू बल्ब प्लांट अपने गार्डन में ऐड किया है, परचेज किया है। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।